इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपाल के खिलाफ हरियाणा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। हिसार में आज पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। पुलिस लगातार आश्रम के रामपाल के समर्थकों को बाहर निकालने की अपील कर रही है। आज सुबह से भी कुछ परिवार आश्रम से बाहर निकले हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को आश्रम से बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी रामपाल के सुरक्षा गार्ड आश्रम को घेरे रखे हैं। रामपाल के कई समर्थक भी पुलिस के रास्ते में डटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जब से ये एक तरह से झड़प चल रही है, जब से ये दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से और रामपाल के समर्थकों के बीच जब से ये तनातनी चल रही है, महिलाओं और बच्चों को एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत महिलाओं और बच्चों को सबसे आगे रखा गया था। खुद रामपाल ने ये नहीं सोचा कि अगर पुलिसिया कार्रवाई होती है तो उन बच्चों और उन महिलाओं को कितनी तकलीफ हो सकती है, उन्हें चोटें आ सकती है। और इस वक्त शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, इस वक्त क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए श्वेता, यहाँ सुबह से लगातार जो कवायद कोशिश चल रही थी पुलिस अधिकारियों की, ज्यादा से ज्यादा बल पहुंच जाए वहाँ, ताकि जब कार्रवाई शुरू हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। काफी संख्या में पुलिस वाले लोकल थानों से, इसके अलावा आरएफ के लोग, इसके अलावा हरियाणा पुलिस के लोग, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम आला अधिकारी हैं। हालांकि 10 बजे के बाद किसी भी वक्त कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स भी भेजे गए हैं, जिससे कोई भारी सामान है या बिल्डिंग का कुछ गिराने का काम है वो भी किया जा सके। तो इस बात की भी आशंका है कि पुलिस शायद इस स्तर तक भी अभी आगे जा सकती है, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। और इस बीच आश्रम में जितने लोग थे उनमें तमाम लोगों को बाहर निकाला गया है, और लेकिन आश्रम में जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको जबरन वहां रखा गया था। और एक स्ट्रेटजी और आश्रम की तरफ से अपनाई गई है, इसमें महिलाओं, बच्चों और पति जो है, इनको तीनों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है, यानी अलग अलग बड़े बड़े हॉल्स में, बड़े बड़े कमरों में रखा गया है, जिससे कि अगर कोई निकल के अकेले जाना चाहे तो वो न जाए, क्योंकि उसके परिवार के बाकी सदस्य इकट्ठा होंगे तभी वो जाएंगे। और इसी के चलते तमाम लोग हैं जो अभी वहां रुके हुए हैं। और इन सब चीजों को समझने के साथ ही साथ पुलिस अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को थोड़ा बाहर वहां से किया जाए, सुरक्षित जगह पर निकाला जाए, उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन शुरू हो। यहां पुलिस की एम्बुलेंस की भी तमाम गाड़ियां आ गई हैं, तमाम टीम्स और आई हैं, जिससे कि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। तो कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हैं और ऑपरेशन बस चालू होने की देर है। बिल्कुल, आप शिवेंद्र बने रहे हमारे साथ।